से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यू ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का दूसरा एपिसोड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एपिसोड में देखते हैं। पारखा लॉन्ड्री वाले के पास जाती है और कहती है ये कपड़े आप रख सकते हैं। वो मान जाता है और फिर मन में सोचती इन लोगों ने जितना भी मेरे घर का सामान तोड़ा है ना, एक एक करके हिसाब लूंगी, और एक डेविल सी स्माइल देती है। अगले सीन में पारखा को घर में दिखाया जाता है, वे सभी को ट्रैक सूट पहनने के लिए देती है और जिप लगाने के लिए कहती है, पर किसी को नहीं आता। फिर वो क्राउन प्रिंस के कपड़े की जिप लगाती है। इस बीच में दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा क्यूट मोमेंट होता है। फिर वह तीनों बॉयज के कपड़े की जिप लगवाती है। अगले सीन में वह मार्केट में तीनों से कैबेज उठवाती है। पारखा कहती है टीवी के $300, राइस कुकर के $100, पर्दे के $100, केरोसिन लैंप के $60, टेडी बियर के $30 और कई सारी चीजों को ऐड करके ना टोटल बनता है $750। तभी मैम्बू पूछता है हमें कितना काम करना होगा। पारखा कहती है तुम तीनों को 8 दिन तक काम करना होगा क्योंकि तुम्हारा चौथा साथी काम नहीं कर रहा। क्राउन प्रिंस पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ है, वो फुल इग्नोर मारती है। फिर से तीनों काम करना शुरू कर दे। पारखा येलो मैन से कहती है तुम कैसे काम कर रहे हो, अच्छे से काम करो। क्राउन प्रिंस पारखा के क्लोज आकर कहता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। पारखा कहती है जब तक तुम मेरे सारे पैसे वापस नहीं कर देते तब तक तुम्हारे कपड़े नहीं मिलेंगे। पारखा फिर से येलो मैन से कहती है अच्छे से काम करो और क्राउन प्रिंस को इग्नोर करके चली जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है इस लड़की को तो मैं देख लूंगा और इसे बहुत बुरी सजा दूंगा। फिर अगले सीन में चारों को लंच पे रेमन खाते हुए दिखाया जाता है। पारखा ना यूनिक तरीके से रेमन को खाती है, चारों लोग उसकी कॉपी करते हैं। तभी पारखा कहती है तुम लोग जैसे मर्जी हो वैसे खा सकते हो। तभी पारखा के फोन की कॉलर ट्यून रिंग करती है, सभी लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई खतरा आ रहा है। चारों पारखा से दूर हो जाते हैं। तभी पारखा कहती है ये लोग सच में ऐसे हैं या एक्टिंग करते हैं, आई डोंट नो। पारखा फोन पिक करती है, फोन की दूसरी तरफ सेना होती है, उसकी सौतेली बहन। सो गाइस, मैं इसकी बहन का नाम चेंज करके चमकीली रख देती हूँ क्योंकि हमारी फीमेल लीड को आगे के एपिसोड में बहुत ज्यादा रुलाने वाली है। तो गाइस, अगर आपको ये नाम पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। वह पारखा को हॉस्पिटल मिलने के लिए बुलाती है, वो आने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में पारखा सभी को लेकर हॉस्पिटल आती है, ट्रक से बाहर आती है, कहती है तुम लोग यही रहना मैं अभी आ रही हूँ। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मैं थक गया हूँ मुझे रेस्ट करना है। पारखा कहती तुमने तो कोई काम भी नहीं किया, पहले ही थक गए। पारखा गुस्से में कहती है अगर तुम लोग कहीं गए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर चले जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है इसे तो मैं देख लूंगा, बहुत ही कड़ी सजा दूंगा, बहुत ज्यादा। अगले सीन में चमकीली और पारखा को दिखाते हैं, जो मॉर्निंग में जो सब हुआ था उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगती है। पारखा कहती है मैं तो बस सामान डिलीवर करने आई थी। फिर चमकीली कहती है 2 साल हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, ये मत सोचना कि हम दोनों क्लोज हो गए हैं। चमकीली वार्निंग देती है तुम मेरी मॉम और मुझसे दूर ही रहो, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, हम दोनों बहने भी नहीं है। पारखा को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करती है। पारखा कहती है मैंने कुछ गलत किया है। चमकीली कहती है तुम्हारा यहाँ होना ही बहुत बड़ी गलती है। पारखा को यह सब सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और रोने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस वॉक करते हुए कैफे के पास से गुजरता है और उन दोनों को देख लेता है। क्राउन प्रिंस चमकीली को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि चमकीली का चेहरा मरी हुई प्रिंसेस से मिलता है। चमकीली फिर कैफे की दूसरी तरफ चली जाती है। क्राउन प्रिंस डोर के उस साइड से पीछा करता है और कहता है राजकुमारी ये मैं हूँ तुम्हारा किंग। वह दौड़ के जाता है और ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर से टकरा के बेचारा जमीन में जोर से गिर जाता है। फिर तीनों बॉयज राजकुमार को बचाने के लिए जाते हैं और उन्हें जाता देख पारखा दूर से देख लेती है और उनके पीछे जाती है। अगले सीन हॉस्पिटल में क्राउन प्रिंस की नोज पे एक बैंड लगा दिया जाता है, सभी लोग ना चारों तरफ घिर के उसके ऊपर मंडराते हैं। फिर क्राउन प्रिंस उठता है और हॉस्पिटल से प्रिंसेस को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तीनों बॉयज उसके पीछे जाते हैं। पारखा फिर से गुस्से में आ जाती है, कहती है मैं क्या करूं इन चारों का। अगले सीन में क्राउन प्रिंस एक बेंच में बैठे होते हैं और तीनों बॉयज जमीन में बैठे होते हैं और क्राउन प्रिंस सभी को बताता है कि मैंने आज राजकुमारी को देखा। फिर तीनों बॉयज कहते हैं इस दुनिया में राजकुमारी कैसे हो सकती है। फिर क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है कि मैंने राजकुमारी को दोबारा खो दिया और दुखी हो जाता है। ये सब दूर से पारखा देख रही होती है। वह फिर चारों बॉयज के पास आती है। फिर क्राउन प्रिंस के पास जाकर उसकी नोज को जोर से दबाती है और वो चिल्लाने लगता है। पारखा गुस्से में कहती है मुझे हॉस्पिटल की हर चीज के लिए बिल देना पड़ता है। अगले सीन में फिर से हॉस्पिटल में दिखाते हैं, वे चारों को वार्निंग देती है कि कहीं मत जाना और क्राउन प्रिंस को अपने साथ ले जाती है और कहती है तुम यहीं बैठो अभी तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हें जाना होगा। पारखा फिर जाने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस राजकुमारी को ढूंढने के लिए फिर से बेंच से उठ जाता है। पारखा उसे गुस्से में घूरती है और कहती है चुपचाप शांति से बैठे रहो। तभी दादी व्हील चेयर पे आ रही होती है और क्राउन प्रिंस की एक झलक देख लेती है, उसे अपना तायोंग समझ लेती है क्योंकि क्राउन प्रिंस और तायोंग का चेहरा मिलता है। दादी फिर चिल्लाने लगती है कि मुझे तायोंग के पास जाना है। नर्स उसे जगह ले जाती है। जब दादी वहाँ जाती है तो क्राउन प्रिंस वहाँ नहीं होता है, वो वाला बेंच खाली होता है। यह सब देख के दादी रोने लगती है। तभी डॉक्टर उन्हें संभालते हैं। अगले सीन में दादी फैमिली को बताती है कि मैंने आज तायोंग को देखा,
फैमिली वाले कहते हैं दुख की बात है कि आज तायोंग हमारे बीच नहीं आए, ये जरूर आपका इमेजिनेशन होगा। तभी तायोंग के डैड अपने सन को दादी के क्लोज लाने के लिए एक मौका मिल जाता है। ताइमो दादी की केयर करने के लिए हवेली में बुला लेता है। दादी बिना मन के तायोंग की चीजों को पैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में चारों को छत पे दिखाते हैं, सभी लोग डिस्कशन करते हैं। हम 300 साल का सफर तय करके फ्यूचर में आ गए हैं। वी डिसाइड करते हैं कि छत वाला रूम ही उनके दुनिया में जाने का एकमात्र दरवाजा है, यही उनकी वापसी की चाबी है। क्राउन प्रिंस कंक्लूजन निकालता है कि प्रिंसेस के जहर का पता लगाने के लिए हमने युद्ध किया था और फिर प्रिंसेस को इस दुनिया में देखना, जरूर कोई कनेक्शन है इन बीच। अभी पारखा जोर से कहती है, तुम लोग रात को इतनी बड़ी क्या डिस्कशन कर रहे हो, जो इतना चिल्ला रहे हो, चुपचाप अंदर आ जाओ वरना घर से निकाल दूंगी। अगले सीन में तीनों बॉय सो रहे होते हैं, बस क्राउन प्रिंस और पारखा जाग रहे होते हैं। दोनों के अपने अपने कारण होते हैं। फिर पारखा हवा खाने के लिए बाहर आती है, क्राउन प्रिंस पहले से वहाँ पर होता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम अभी तक सोई नहीं, वो कहती है नहीं। फिर पारखा सोजू और व्हाइट क्रीम लेकर आती है और क्राउन प्रिंस को सोजू पीने के लिए इनवाइट करती है। पारखा उसे सोजू पीने के लिए देती है और उसके मुंह पे क्रीम मार देती है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पारखा क्रीम वाले मुंह को देखकर हंसने लगती है। फिर पारखा सोजू और क्रीम ट्राई करती है, दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पारखा ने पिंक हुडी पहनी होती है, तभी क्राउन प्रिंस नोटिस करता है कि उसका पूरा फेस पिंक हो गया है। वो पारखा कहते हैं कि ड्रिंक करने के बाद मेरा फेस ऑटोमेटिक पिंक हो जाता है। तभी क्राउन प्रिंस पारखा के क्लोज जाता है और उसके फेस को अपने हाथों से टच करता है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती है। ये बहुत ज्यादा क्यूट सीन होता है। पारखा को अनकंफर्टेबल लगने की वजह से वो उसके हाथ को हटा देती है और कहती है तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हैं। फिर पारखा पूछती है कि तुम कितने साल के हो, वो कहता है कि मैं तुमसे 300 साल बड़ा हूँ। पारखा कहती है तुम ईमानदारी से बताओ तुम सच में जोसन एरा से आए हो, वो सिर हिला देता है। पारखा शौक होती है। अगले दिन पारखा सभी को मॉर्निंग रूटीन के बारे में समझाती है, ब्रश करना सिखाती है, कपड़े धोना, गैस ऑन करना, फिर सड़क पार करना सिखाती है। रोड पे पारखा रेड लाइट की तरफ इशारा करता है, तभी क्राउन प्रिंस इशारा करता है कि यहीं पर रुको। ग्रीन लाइट होती है, तब ग्रीन मैन इशारा करता है कि सब लोग मेरे पीछे आओ। फिर सभी लोग लाइन लगाकर चलने लगते हैं। ये सीन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अगले सीन में पारखा सबको बस लेना सिखाती है, सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तभी पारखा नोटिस करती है कि इन्होंने सूज नहीं पहने। यह देख के पारखा शौक हो जाती है और बस को रुकवाती है। हम देखते हैं कि इन्होंने बस में चढ़ने से पहले सूज को नीचे उतार दिया था। अगले सीन में स्टोर में पारखा शॉपिंग करना सिखाती है, पेमेंट करना सिखाती है, वह फिर एक नोट दिखाती है। नोट पे किंग सेजोंग की तस्वीर लगी होती है, सभी लोग उसे पहचान लेते हैं, उनके सामने सिर झुकाने लगते हैं। यह सब देख के पारखा बहुत ज्यादा शॉक होती है इनकी अजीब हरकतों की वजह से। पारखा को स्टेप मॉम का कॉल आता है, वह ट्रक के लिए हेल्प मांगती है, सेना को कुछ चीजों के लिए जरूरत होती है। वह मॉम के कहने पर मान जाती है और जाने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं पारखा सबको लेकर तायोंग के घर जाती है। क्राउन प्रिंस से कहती है कि मैं अभी बॉक्स लेकर आ रही हूँ, तुम यहीं रुकना, वो हाँ बोल देता है और तीनों बॉयज को अपने साथ ले जाती है। तभी एक वोमेन आती है, डोर ओपन करती है, क्राउन प्रिंस को अंदर इनवाइट करती है, उसे तायोंग का रूम दिखाती है और फिर वह अंदर चला जाता है। वहाँ अंदर जाते वॉल पर एक बड़ी सी तायोंग की तस्वीर लगी हुई देखता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ। तभी दादी रूम में एंटर करती है, फिर वह क्राउन प्रिंस को देख लेती है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग का नाम लेते रहते और रोने लगती है और क्राउन प्रिंस को ना दौड़ के आके उसे गले लगा लेती है, टाइटली हग कर लेती है। तभी पारखा बॉक्स लेके वापिस आती है और कहती है अब ये रेडमैन कहाँ चला गया, ये कभी भी एक जगह पे क्यों नहीं रुकता। और यहीं पर दूसरे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए सारंग्यो।